तो पिछले हफ्ते हमने देखा था शुक्रवार को क्लोजिंग डोमेस्टिक मार्केट्स की अच्छी हुई थी, हरे निशान में हुई थी, आज भी चलिए वही उम्मीद करके चलते हैं, फिंगर्स क्रॉस देयर। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला। तो पिछले हफ्ते लगातार कुछ दिनों तक हमने देखा कि अच्छी खरीद बनी है कैश स्पेस में FIIs की तरफ से, और शुक्रवार के भी आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 1900 करोड़ से अधिक की खरीद हमने कैश स्पेस में FIIs की तरफ से देखी, बिकवाली थोड़ी DIIs की तरफ से आई 184 करोड़ के आसपास, और FNO स्पेस में हमने देखा है 3500 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने आते हुए FIIs की तरफ से देखी है। तो चलिए जिस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं FIIs की खरीद बिक्री के आंकड़े या फिर ग्लोबल संकेत, इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, कच्चे तेल की तरफ से अच्छी खबर है, FIIs की लगातार हम कुछ दिनों से खरीदारी होते हुए देख रहे हैं, सर कैसा मूड माहौल रहेगा, क्या करें निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज? गुड मॉर्निंग, यहाँ देखिए संकेत तो शुरुआत करने के लिए अच्छे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी जैसा आपको कमजोरी के साथ 50-60 फुट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, तो जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। बाय और डिप्स का मार्केट है, करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ बंद हुए हैं, कच्चा तेल आपको आप बहुत कंफर्टेबल रेंज में है, FIIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हैं, बाजार इस पूरे रनअप के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर बंद हुए हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको लाल निशान में ही शुरुआत चाहिए। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कमजोरी की तरफ आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि डाउ फीचर्स पर नजर रखिए, 50-60-70 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे है तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं, ज्यादा अगर डाउ फीचर्स कमजोर होते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होगा। और दूसरा जो है उस हफ्ते की शुरुआत के लिहाज से एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज को ध्यान में रखना है, 17,600-17,800 ये आखिरी बाधा है निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिहाज से। तो अगर हमें कहीं रुकना है ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर, तो यहीं पर रुकना है। एक बार 17,800 को पार करके निफ्टी टिक गया और बंद हो गया तो फिर बाजार लाइफ हाई की तरफ वापस से बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक थोड़े से कंजेशन जोन के आसपास है, FIIs इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन सीरीज की शुरुआत में 71% के आसपास बनी है, तो हो सकता है थोड़ा सा इंडेक्स में मूवमेंट आपको कम होता हुआ नजर आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट और कैश मार्केट के स्टॉक में एक्शन पूरा आज इस हफ्ते से बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे में सही सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदने की सोच सकते हैं। इमीडिएटली वैसे देखा जाए तो आज के लिए 17,600 सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे की तरफ जो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है वो है 17,475-17,550 मजबूत सपोर्ट जोन है। थोड़ा दूर है लेकिन चूंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का रनअप आया है, सपोर्ट जोन आपके लिए नीचे की तरफ आता दिख रहा है। ऊपर की तरफ एक बार 17,700 को पार करके टिके तो 17,775-17,875 ये निफ्टी का अगला टारगेट होगा ऊपर की तरफ, जिस पर आपको ध्यान में रखना है। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,000 के पार निकलकर बैंक निफ्टी ने भी एक मजबूत क्लोजिंग दी है, कोई डाउट ही नहीं है। इमीडिएटली 36,800-36,900 सपोर्ट निकल कर आता है। मैं थोड़ा सा डीप दूर का सपोर्ट देना चाहूंगा आपको, वो है 36,425 से लेकर 36,625, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर अब बहुत मजबूत सपोर्ट है, जहां से बड़ा ब्रेकआउट मिला है। और एक बार 37,300-37,500 की रेंज को पार करके बैंक निफ्टी ऊपर निकला तो अगला जो बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनेगा वो 37,750-37,975 का निकल कर आता है, इस पर आपको फोकस करना है। तो सीधा सा हिसाब है, बायो इंडेक्स का मार्केट है, जितना ज्यादा गैप से नीचे खुले उतना खरीदारी का मौका होगा, सिर्फ डाउ फ्यूचर्स बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। जी